ओम अज्ञान्ति वीरान्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। SB 1.2.13। अतः पुंभिर्द्विजाश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशाह सनुष्ठिष्टस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः हे द्विजाश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। तो यहाँ पर द्विजा श्रेष्ठ कहा गया है। तो द्विजा का अर्थ क्या होता है? द्विजा का अर्थ होता है दो बार जन्म लेना। जो पशुओं पर जैसे कि पक्षी होते हैं, तो पहले वो जो अंडे होते हैं उसमें से निकलते हैं, वो पहला जन्म होता है। यानी पहले तो पक्षी जो अंडे देते हैं वो उनका पहला जन्म होता है। उसके बाद उन अंडों में से जब पक्षी जन्म लेता है तब वो दूसरा जन्म होता है। तो पक्षियों को द्विजा कहा जाता है। और जो ब्राह्मण होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, जब व्यक्ति माता पिता से जन्म लेता है, बायोलॉजिकल माता पिता से, तो वो होता है उसका पहला जन्म। और जब उसे दीक्षा दी जाती है तब होता है उसका दूसरा जन्म उसके गुरुदेव से, जो उसके स्पिरिचुअल मास्टर हैं। तो इस तरह ब्राह्मणों को भी द्विजा कहा जाता है। और यहाँ पर कहा गया है कि हे द्विजा श्रेष्ठ, माने जो द्विजों में श्रेष्ठ है। तो सारे विश्व भर में मानव समाज चार वर्णों और चार आश्रम में डिवाइडेड है। चार वर्ण कौन से हैं? जो ब्राह्मण है, जिसको हम बुद्धिमान वर्ग बोल सकते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो योद्धा वर्ग होते हैं। जो वैश्य होते हैं वो उत्पादक वर्ग होते हैं। और जो श्रमिक होते हैं वो शूद्र वर्ग होते हैं। तो ये जो वर्ण और कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजन किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। हम जन्म के कारण बुद्धिमान नहीं होते, हम जन्म के कारण कोई योद्धा नहीं बन जाते, हम जन्म के कारण उत्पादक या श्रमिक नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो हम ब्राह्मण ही होंगे स्वभाव से, ना ही अगर हमने शूद्र के घर जन्म लिया है तो हम स्वभाव से शूद्र ही होंगे। तो ये जो विभाजन किए गए हैं ये जन्म के अनुसार नहीं किए गए। इसके बारे में श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बोलते हैं। और फिर जीवन के चार आश्रम भी हैं, इनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन तथा भक्त जीवन। तो ये बहुत ही नेचुरल डिवीज़न है। ये जैसे कि हम अपने स्कूल में, अपने क्लास में भी देखते थे कि सारे बच्चे फर्स्ट रैंक नहीं लाते हैं। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है तो कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। यानी ऑलमोस्ट सब लोग चार डिवीज़न में ही होते हैं। या तो कोई बहुत बुद्धिमान होता है, या तो कोई किसी के अंदर बहुत ज़्यादा योद्धा जैसे वाले स्वभाव होते हैं, या तो कोई बिजनेस में अच्छा होता है, या तो कोई श्रमिक वर्ग में आता है जो ज़्यादा बुद्धि वाला काम नहीं कर सकता। तो ये एक नेचुरल डिवीज़न था जो बनाया गया है, लेकिन ये स्वभाव के हिसाब से था, ये जन्म के हिसाब से नहीं था। लेकिन इसको गलत तरीके से समाज में प्रचार करके बताया जाता है कि जन्म के हिसाब से किया गया, जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में इसे बताया कि ये गुण के कारण है और कर्म के कारण है। और जो चार आश्रम होते हैं ये भी बड़ा नेचुरल डिवीज़न है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में ही अटक कर रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अपने बच्चे उनको बोझ समझने लगते हैं। चाहे वो इतना अच्छे खासे जॉब कर रहे हो, अच्छा बिजनेस हो, अर्निंग भी अच्छी हो, तब भी वो अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। माने वो अपने बूढ़े माता पिता बच्चों पर बोझ की तरह हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल है कि हमारे शास्त्र कहते थे कि गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ में ले लेना चाहिए, जिससे कि
इसके पहले कि वो हमें घर से बाहर निकाल दें, हम वानप्रस्थ को स्वीकार कर सकें। और जो पत्नी होती है वो गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन तक पति के साथ ही होती है, क्योंकि एकदम से किसी को छोड़ना पॉसिबल नहीं होता। तो वानप्रस्थ जीवन में व्यक्ति पूरा समय भगवान पर डिपेंड होकर भगवान की भक्ति कर सकता है। तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है हमारे जीवन को चलाने का। मानव समाज का जो बेस्ट परम हित है वो इसमें है कि इसी तरह जीवन को विभाजित किया जाए, अन्यथा जो भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। यानी जो आजकल हम लोग देखते हैं कि समाज में सब कुछ हम लोग ने जो सही है उसको देखा नहीं और गलत गलत चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं और हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए इस तरह समाज का स्वस्थ विकास नहीं हो सकता। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य क्या है? ये जो चार वर्ण आश्रम है इनमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या था? भगवान को प्रसन्न करना। कि चाहे हम जिस भी आश्रम में रहें उसमें कुछ नियम थे जिसको फॉलो करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सब कुछ भगवान के कृष्ण के सेंटर में रख के किया, किस तरह हम बहुत अच्छे से भगवान को खुश कर सकें। जो सुसंस्कृत जीवन के लिए, एक कल्चर्ड जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। स्वाभाविक तरीके से हम रोज़मर्रा के जीवन के साथ इन वर्ण आश्रम धर्म को पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न कर सकते थे। वर्ण आश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया था कि परम सत्य जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसको अनुभूति हो सके। इसका निर्माण इसलिए नहीं किया गया था कि एक विभाग दूसरे विभाग का लीडर बन जाए या उसको अपना गुलाम बना लें, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के अत्यधिक आसक्त लोग हैं, जो लस्टी लोग हैं, उनके जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है। तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि स्वार्थी लोगों द्वारा वर्ण आश्रम धर्म का उपयोग कमज़ोर वर्ग पर आर्टिफिशियल तरीके से वो रूल करना चाहते हैं। यानी जैसे कि शूद्र लोगों को जबरदस्ती शूद्र जन्म से बनाया जाता है, जबकि जन्म से कोई शूद्र नहीं, जन्म से हम शूद्र या ब्राह्मण नहीं होते। इसलिए कलयुग में ये ऑलरेडी चल रहा है कि लोग जबरदस्ती अपने आप को ऊपर रखने के लिए, बचाने के लिए दूसरों को अपने अधीन करना चाहते हैं। किंतु जो लोग सयाने हैं वो जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सिंपल तरीके से, नेचुरल तरीके से सामाजिक सोशल ऑर्डर को अच्छी तरह से चलाने के लिए है तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए। यानी भगवान का इस सब का, ये जो वर्ण आश्रम है इसका, इस संस्था का केवल एक ही लक्ष्य था, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान को प्रसन्न करना। तो यहाँ पर भागवत का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, द अल्टीमेट गोल को पाना, वर्ण आश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। और इसकी पुष्टि भगवान ने भगवद्गीता के चैप्टर 4 श्लोका नंबर 13 में भी किया है। हरे कृष्णा।